हेलो स्टूडेंट्स, हेलो 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 हेलो, क्या हाल है सभी के? मेरे अलावा आप सभी के हाल कैसे हैं? मेरे तो बहुत बेकार है, मेरे को तो बुखार आ गया। मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे दोनों पैर और भी सूज गए हैं। काश मैं तुम्हें पैर ऊपर करके अपने पैर दिखा सकती, ऐसे जैसा मेरा मुंह है ना वैसे मेरे पैर हो गए इस टाइम। हाय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सभी के सभी? जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। बस मेरे पैर कैसे दिखा दूं भाई, इतने ऊपर पैर नहीं आएंगे, नीचे गिर जाऊंगी मैं। आप लोग बढ़िया हो? बैठ कर नहीं पढ़ाऊंगी आज, लिख लिख कर पढ़ाऊंगी। बिहार में मेरा बहुत मन लगा, आई लव पटना, मैं दोबारा आना चाहूंगी। पटना सूट करा है, वो मेरी खुद की गलती है कि मैं एक तो 2 दिन से सोई नहीं थी बिल्कुल भी, मुझे नींद नहीं आती ज्यादा, यही सारी की सारी चीजें हैं। नहीं यार, पटना तो अच्छा लगा यार, पटना इज लव, पटना तो बहुत अच्छा लगा। आई एम तो जस्ट लव इन विद पटना। हाँ, मेरे को दिक्कत हो जाती है अगर मेरे मतलब मैं ज्यादा देर अगर खड़ी रहती हूँ ना, तो मेरे पैर सूज जाते हैं। वो किसी के भी सूज जाएंगे, अगर कोई 8-9 घंटे खड़ा रहेगा ना तो उसके पैर सूज ही जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है यार आपके लिए इतना तो कष्ट। और लिट्टी चोखा बहुत अच्छा था, हमें किसी ने बनाकर भेजा था। अगली बार मैं आऊंगी तो मैं पहले 2 दिन पहले बता दूंगी, आप लोग प्लीज बना बना के लाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ट्रेन में खाया है रात में लिट्टी चोखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत स्वाद था। भागलपुर भी आऊंगी यार, मुझे भागलपुर से साड़ी लेकर आनी है अपने लिए। मेरा बहुत मन था कि मैं एक भागलपुरी साड़ी लूं अपने लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, मार्केट नहीं जा पाई मैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा प्लान में शामिल था कि भागलपुरी साड़ी लेकर आनी है मुझे अपने लिए, पर मैं ले नहीं पाई। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़कर चलेंगे, विद्युत धारा पढ़कर चलेंगे आज हम, ठीक है जी? पर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आपसे बात बात हो जाती है, तो थैंक यू सो मच गौतम यादव, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल लेकर आइएगा। आज हम पढ़ के चलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम विद्युत धारा बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलकर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का विद्युत धारा। और भाई बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग ऐप में रेटिंग कर नहीं रहे हैं क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरी आपसे एक दरखास्त है कि आप प्लीज एक बार एप्लीकेशन पे रेट जरूर करा करो। मेरी रेटिंग सबसे कम आई है इस बार, मैं वही सोच रही हूँ कि इस बार रेटिंग कम कैसे होगी, आप लोग तो इतना प्यार करते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स बाद में भी क्लास देखते हैं, जितने आप लोग भी देख रहे हो, आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे उतनी रेटिंग आप करिएगा, लेकिन रेट सबको करना है ना? इस बार रेटिंग बहुत डाउन पहुंच गई, मुझे समझ नहीं आया कैसे। ठीक है, जिस जिसकी जॉब लग जाएगी वो एक एक साड़ी लेकर आएगा मेरे लिए पटना से। हाँ, तो देखिए आवेश, कितना आवेश कितनी चीजों में से निकल रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो आप लोग सभी के सभी बच्चे रेट जरूर करिएगा मुझे प्यारे दोस्तों। हाँ, लाइट का कुछ टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको इस सैटरडे को करवाऊंगी। सैटरडे में मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है, तो अगर हो सके तो सैटरडे में जरूर आना, ठीक है? सबसे पहली बात मैं आप लोगों से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करती हूँ, विद्युत धारा, ठीक है? तो कितना आवेश, अगर मैं आपसे शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो आवेश की मात्रा, यानी आपका जितना भी चार्ज होता है उसको हम विद्युत धारा मानकर चलते हैं, यानी अमाउंट ऑफ करंट। तो अगर कभी भी कोई भी आपसे बात करेगा कि एक लाइन में हमें बता दो भैया कि विद्युत करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो एक लाइन में सिंपल फॉर्म में हम सीधा सीधा से बोलते हैं भाई अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? भाई आपका जो लाइट लेंस लेंस रह गया है कनकेव और कन्वेक्स, में शनिवार को करवाऊंगी। शनिवार में मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखी है, आज क्योंकि ये टॉपिक था तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकती थी, शनिवार को एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे पता है, ठीक है जी? तो आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा एक निर्धारित समय में कितनी होती है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। मैं सब करवाऊंगी, कुछ स्किप नहीं करवाऊंगी, डोंट वरी। किसी
विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित आवेश की मात्रा एक निर्धारित समय पर उसकी विद्युत धारा कहलाती है। जैसे मैं आपसे अभी बात करूं कि मेरे पास एक तार है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, रजिया सुल्तान, क्या नहीं समझ आ रहा है आपको, मुझे बताओ। अरे आपस में बातें क्यों कर रहे हो, हिंदी की तैयारी कैसी चल रही है और इंग्लिश की तैयारी कैसे चल रही है भाई, क्या हो रहा है क्लास में। हाँ मेरा कोर्स जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि मेरे पास एक तार है, मेरे पास क्या है, एक तार है, इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल तो जरूर होगा, इसका कोई ना कोई एरिया तो जरूर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तार के अंदर 1 मिनट में कितने करंट, कितना कितना जो चार्ज होता है वो बह रहा है, चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स मानकर चलते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इस तार में बह रहे हैं वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका कहलाता है आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट। तो कितने समय में एक क्षेत्रफल में, इस तार का कोई ना कोई तो क्षेत्रफल रहा होगा, इस क्षेत्रफल में कितने चार्ज बह रहे हैं इस समय में, क्या कहलाता है आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। आ रहा है समझ में जी, उत्तराखंड भी जरूर आएंगे, जल्दी आएंगे। तो आपसे अगर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की जाती है, तो एक एरिया में, ठीक है एक एरिया में इस टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं वो उसका विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या आपको समझ आया भाई, बारिश की वजह से हो सकता है किसी किसी का नेटवर्क खराब हो, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। ठीक है आपस में बातें मत करो भाई, इतनी मेहरबानी कर दो मुझ पे प्लीज। इसको अब हम इंग्लिश में लिखते हैं, भाई बातें मत करो यार, अभी इतनी अच्छी तबीयत हुई नहीं है मेरी, पर आप लोगों की क्लास पढ़ाकर मन लग जाता है। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम अ गिवन एरिया इन पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब मैं ही पढ़ाती हूँ, नहीं मेरी तबीयत अभी तो ठीक हुई नहीं है, मुझे लग भी नहीं रहा अभी ठीक हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई इसका फॉर्मूला पूछे कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है क्यू अपॉन टी, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर मैं आपसे बात करती हूँ क्यू, तो ये होता है आप लोगों का चार्ज, जिसको हमने आवेश बोला है, ये होता है आप लोगों का टाइम, जिसे मैंने समय बोला है, और ये होता है आप लोगों का करंट। जिसे हम लोगों ने विद्युत धारा बोला है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। किसी किसी बैक स्लाइड देखनी है, आप लोग लेट आए हो क्या क्लास में? थैंक यू थैंक यू। ये पहली वाली स्लाइड है आप लोगों की, आपको समझ आया जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आपका सिलेक्शन होने पे मैं पूरे गाने पे नाच के दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप सिलेक्शन ले लो। हाँ मैं ठीक हूं यार, मैं ऐसे इतनी ज्यादा बीमार खुद को समझती नहीं हूं। लिख लिया आप सभी ने पहली स्लाइड, ये आपकी दूसरी वाली स्लाइड है, सभी ने लिख ली, एक बार मुझे दिल भेजो, दिल 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 भेज दो, हार्ट भेज दो।
आप सभी को क्लास को रेट करना है, अगर आप क्लास को रेट नहीं करेंगे तो भाई आपकी साइंस टीचर चेंज हो जाएंगी, मैं आपको सच बता रही हूँ। क्लास की रेटिंग सबसे कम है मेरी, मतलब आप मुझे क्लास में रेट ही नहीं करते, और रेट कर भी रहे हो तो अच्छा रेट नहीं कर रहे हो आप लोग आजकल मुझे। चिरंजीव, मैंने बताया है कि कितना करंट बहता है कितने समय में। थैंक यू दिल भेजने के लिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को क्लास में रेटिंग अच्छी करनी है मेरी, सभी की सभी पूरी पूरी रेटिंग दोगे तो ही मैं बदल पाऊंगी, वरना फिर बायो कोई और ही पढ़ाएगा फिर आपको। हाँ, मैं लिट्टी चोखा खाई थी भाई, बिल्कुल खाई थी। चलिए अब हम आपसे इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ इसकी SI यूनिट की। तो इसकी SI यूनिट निकलेगी कैसे, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो जरा SI यूनिट एक एक बार देख लीजिए आप, जितने के जितने स्टूडेंट से देखिए, हम चार्ज को, ये होता है हमारा चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज को हम कूलाम अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे करंट की बात करूं तो करंट को हम कैसे नापते हैं, 1 एम्पियर में, और 1 एम्पियर क्या होता है आप लोगों का, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। समझ आया आपको? ओके, हाय जी, जिसकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आपको रेटिंग सुधारनी मेरी, मैंने देखा 2 हफ्ते की रेटिंग मेरी सबसे कम है, मैं वही सोच रही यार बच्चे बच्चे रेट वेट नहीं कर रहे हो। ओके, हाय जया, वेलकम वेलकम। तो आपको समझ आया 1 एम्पियर, जिसकी पहली क्लास है सभी का स्वागत है क्लास में। 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड। मैं यहां पर आपको एक सवाल देना चाहती हूं, मैं देखती हूं कितने स्टूडेंट उसे सॉल्व कर पाएंगे। एक बल्ब के अंदर 10 सेकंड में पचास एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताओ कितना आवेश होगा। जल्दी से बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर इंग्लिश में लिख देती हूं। इन अ बल्ब 4 10 सेकेंड, इन अ बल्ब 50 एम्पियर इज रनिंग फॉर 10 सेकेंड। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज। यस 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 यस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, लव यू यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 500, वेरी गुड, बहुत 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 बढ़िया। तो आपका जो आंसर है वो कितना है आप लोगों का, 500 है। सोनम चौधरी जी, ये चार स्लाइड हो चुकी हैं, वेरी गुड यार, तुम तो बड़ा जबरदस्त। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया क्यू इज इक्वल टू I और T। तो क्यू हमें निकालना है, हम 50 की 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया आप लोगों का, 500 कूलम। तो आपके कुछ इस प्रकार से सवाल पूछने के लिए आता है। हाँ जी तरुण जी, इस फॉर्मूले पे आपके इसी प्रकार से सवाल पूछने के लिए आएंगे।
हाँ लड्डू क्वेश्चन ही आते हैं, तरुण जी पूछ रहे हैं जनरल पेपर आपका मुश्किल नहीं आएगा पहली से पांचवी तक का, मैं आपको बता दूं पहली से पांचवी जितने भी बच्चे पीआरटी बीपीएससी वाले हैं इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा आप लोगों का, लेवल आपका बिल्कुल ठीक रहने वाला है। लेकिन अगर आप नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं के लिए जाने वाले हो तो इतना आपका पीआरटी वालों का ये लेवल है तो नवीं दसवीं वालों का ये लेवल है। तो नवीं दसवीं के लिए आप अमित सर और सोनू सर की क्लास में पढ़िएगा, क्योंकि मैं तो छोटी क्लासेस के लिए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं सारे के सारे एमसीक्यू आपको करवाऊंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, एक बार थ्योरी कंप्लीट होने दो, फिर मैं सैटरडे संडे दोनों दिन लगातार आपके दो दो घंटे एमसीक्यू करवाऊंगी, डोंट वरी। हाँ जी हाँ जी तरुण हाँ जी सुहानी हाँ जी हाँ जी बैक स्लाइड पर जाऊं मैं एक बार, ये रहा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक बार जब मेरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी ना तो सैटरडे संडे मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाऊंगी, आपकी एप्लीकेशन क्लास पे पढ़ाऊंगी, आई स्वेयर। इस सैटरडे तो मैं आपको लेंस वगैरह करवाऊंगी, और लेंस वेंस कंप्लीट करवाने के बाद सैटरडे और संडे बिल्कुल बराबर मैं आप लोगों की मैराथन लगाऊंगी यहीं पर। कम से कम 200 क्वेश्चन आपको मैं ह्यूमन बॉडी के करवाऊंगी, फिजिक्स के वन लाइनर, केमिस्ट्री के वन लाइनर, जितना भी मेरे पास मटेरियल है सारा का सारा प्रोवाइड कर दूंगी, केवल रट्टा मार लेना। जी और मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूं, मैंने कल आज शाम 5 बजे से, मैं आज शाम 5 बजे से एनसीईआरटी स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 7th से। ठीक है, आप लोगों की क्लास 7th की एनसीईआरटी में स्टार्ट कर रही हूँ, 7th, 8th, 9th और 10th ये सारा का सारा मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आपकी जो एनसीईआरटी है वो भी आपकी कवर अप हो जाएगी। हाँ यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पर। मैं आपको लिंक भेज देती हूँ जरा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रही हूँ, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, आपको रोज शाम को 5 बजे जुड़ना है मेरे साथ, एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी, तो भाई मुझे ऐसा लगेगा कि शायद थोड़ा सा मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाई हूँ जीवन में। मैं आपको भेजती हूँ लाइव क्लास में से। चले 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 बस चलिए चलिए जल्दी से बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपसे यहाँ पर बात होती है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिजली बनाना स्टार्ट करती है। देखिए अगर आप 5 बजे क्लास नहीं पढ़ सकते तो 6 बजे पढ़ लो, 7 बजे पढ़ लो, लेकिन पढ़ जरूर लेना, मैंने क्लास भेज दी आपको, मैं जरा लिंक पिन कर देती हूँ। चलिए तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो मुझे बता सकता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कंडक्टर्स? चलिए 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 बात नहीं यार, प्लीज अब बात नहीं। आप 5 बजे मत पढ़ो, आप बाद में देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना, पर मैं कह रही हूं देख जरूर लेना। कौन होते हैं कंडक्टर्स जल्दी से बताओ, जो अपने अंदर से करंट पास करवा दे। अगर मैं अपने अंदर से करंट पास करवा दूंगी तो मेरे बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे और धुआं निकल जाएगा बॉडी में से, तो मैं कंडक्टर नहीं हूं। इसलिए तो हम किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को हाथ नहीं लगाते गीले हाथों से, वरना करंट दौड़ जाता है और मेरे बाल ऐसे हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगूंगे ना देखने में। फिर सुचालक होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस और द ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट दैट अलाउज
इलेक्ट्रिक करंट टू पास। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जो क्या कर सकते हैं, जिनके अंदर से बिजली निकल सकती है, ठीक है, जिनके अंदर से विद्युत धारा को गतिमान बना सकते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को सुचालक कहते हैं। क्या कहलाते हैं? सुचालक। मैम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना भाई, मैं गुड कंडक्टर नहीं हूं इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए, इसका उदाहरण है आपके जितने भी मेटल्स होते हैं, इनका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके जितने भी धातु होते हैं, आपके सारे के सारे धातु अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। तो इसका उदाहरण है आप लोगों का धातु। यार, तुम्हारी क्लास में तो मेरी हैंडराइटिंग भी सुधर गई है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका एक एक्सेप्शन केस है, कौन बताएगा मुझे? सारे के सारे धातु, लेकिन मरकरी पारे में से कभी भी बिजली नहीं बनती, एक्सेप्ट। आपको पता है पारा, मरकरी, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? नहीं बना सकते। स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ेंगी, नॉर्मल तौर पर आप नहीं बना सकते, स्पेशल कंडीशन में आप बना सकते हो। तो ध्यान रखना, एक्सेप्ट पारा। पारा का मतलब होता है मरकरी, ये ध्यान रखना। लिक्विड फॉर्म में रहता है, वैसे नहीं बना सकते आप लोग, लेकिन स्पेशल कंडीशन अप्लाई करोगे तो सब मुमकिन है, नॉर्मल तौर पे नहीं बना सकते। अब सेकंड नंबर पे मैं आपसे बात करती हूँ किस चीज के बारे में, सेकंड नंबर पे मैं आपसे बात करती हूँ इंसुलेटर्स। कुचालक। तो सबसे पहली बात है, ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, विच डोंट अलाउ आपका एग्जाम्पल है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, इंसुलेटर और कुचालक के बारे में अगर आपसे बात की जाती है, इसका एग्जाम्पल रहेगा आप लोगों का अधातु। ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, रबड़, प्लास्टिक, सब सारे के सारे नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है भाई, क्यों नहीं करेगा? प्लास्टिक, वुड, रबड़। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा नहीं होती, द मटेरियल विच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। यार, जीएस में साइंस आ रही है तो मैं समझती हूँ 5 या 6 नंबर की आएगी, इससे ऊपर तो नहीं आएगी बीपीएससी वालों के लिए। और सीटेट वालों को पता है, सीटेट वालों के लिए तो 30 नंबर की आती ही आती है। सीटेट वाले तो जिंदाबाद ऑलवेज, सब में एक्सेप्शन आ जाता है यार। हाँ, ग्रेफाइट सुचालक होता है।
बढ़ू मैं आगे की तरफ। अरे यार पता है बीपीएससी वालों ने क्या करा है, कुछ क्लियरली बताया ही नहीं है। देखो 10 नंबर की आए तो भी आप लोग कर लोगे, 20 नंबर की आए तो भी आप कर लोगे, 5 नंबर की आए तो भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि आपने इतना तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है मेरे कहने से। शुरू शुरू में आपने दुखी करा था, लेकिन अब मुझे आपसे बहुत प्यार है, मुझे आप अच्छे लगते हो, अब मुझे आपके क्लास में मजा आने लगा है 10-15 दिन से, क्योंकि आप सुधर गए हो। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप क्लियर कर लोगे। और अभी तो मैं आपकी ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप। 10 से 15 नंबर की भी आएगी तो आप फोड़ कर आओगे पेपर, यार मुझे भरोसा है तुम लोगों पर। चलो अब आपसे यहां पर बात की जाती है कि इलेक्ट्रिक करंट, मेजर्ड बाय अमीटर, ठीक है। अरे इंशाल्लाह बिल्कुल, आमीन मेरे दोस्तों, आमीन। ठीक है चले, विद्युत धारा कैसे नापते हैं, अमीटर से नापते हैं। गौतम मैं समझ नहीं पाई यार आप क्या कहना चाहते हो। अच्छा, बढ़े अब हम आगे। अब यहाँ पर आपका एक नियम होता है, कीर्ति देवी लव यू टू, आपका यहाँ पर एक नियम होता है जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। जिससे हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। सबसे पहली बात है यहां पर मैं आपसे बताना चाहूंगी किस चीज के बारे में। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं होता कि सबकी जिंदगी में मुश्किल नहीं आती। मेरी जिंदगी में भी बहुत मुश्किल थी, आपकी जिंदगी में भी बहुत मुश्किल है और रहेंगी, क्योंकि ये तो जिंदगी है यार। मतलब आपको ऐसा लगता होगा मेरी लाइफ शायद बहुत अच्छी है, बहुत सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमारी और आपकी और करंट की लाइफ एक जैसी है। अगर आप सोच रहे हो करंट तो बहता चला जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भी दिक्कत है मेरे भाई, इसको बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि करंट के रास्ते में भी रुकावटें आती हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। समझे, सबकी मुश्किल अलग होती है, करंट की भी मुश्किल है मेरे भाई। तो करंट की मुश्किल के बारे में बताया था आपके किसने, ओम ने। ओम ने बताया था कि ऐसा मत समझना तुम्हारी जिंदगी में परेशानी है, करंट की जिंदगी में भी है, करंट भी नहीं चल पाता बढ़िया तरीके से, ठीक है। तरन्नुम जहान, क्लास के जस्ट बाहर ना एक ऐसा सा बनकर आता होगा, उस पर क्लिक करोगे पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, ओम्स लॉ क्या बताता है, करंट के आने में रास्ते में आने वाली रुकावट। इसका मतलब था कितनी तेजी से करंट बहता है उसको हम वोल्टेज मानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मानते हैं, वोल्टेज मानते हैं। ये आपका बेचारा करंट है, ये आपका रेजिस्टेंस है जो विद्युत के रास्ते में आने वाली रुकावट, हिंड्रेंस इन करंट, ठीक है। तो करंट की जिंदगी में किसने परेशानी फैला रखी है, इसने, इसने करंट। ये है आप लोगों का धारा, ये है आप लोगों का वोल्टेज। ये आपका ओम्स का नियम है। नेगेटिव मार्किंग मेरे ख्याल से 0.5 की कितने की है, विभवांतर। यार प्राइमरी में नेगेटिव अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं। एक 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 जो था ये ना 0.25 बोलते हैं उसको मैथ्स में ना,
कहने का मतलब है चार क्वेश्चन गलत करके आओगे तो एक नंबर कटेगा, मैं सही कह रही हूं ना? चार क्वेश्चन गलत करोगे तो एक नंबर कटेगा. यस परफेक्ट. 0.25 है यार. मेरी तो मैथ्स भी अच्छी हो यार तुम लोगों के साथ रह रहकर. चार ऑप्शन रहता है तब भी उतना ही कटेगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें. हो गया. अब आपने यहां पर एक शब्द पढ़ा है, अब आपने यहां पर एक शब्द पढ़ा है जिसका नाम है आप लोगों का वोल्टेज. तो वोल्टेज क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है. ये रुकावट है और ये क्या है? आपका बल है. आपकी जिंदगी में बड़ी सारी रुकावटें होंगी लेकिन आपके पास अंदर से मोटिवेशन है कि हमें तो बीपीएससी क्लियर करना है, तो वो मोटिवेशन एक फोर्स की तरह काम कर रहा है. सिमिलरली करंट की जिंदगी में जितनी भी परेशानी रेजिस्टेंस की वजह से आई है, तो उसकी जिंदगी में एक और चीज है जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज कहते हैं. तो जल्दी से एक बार वोल्टेज लिख लेते हैं हम लोग. जी, नेगेटिव से बिल्कुल मत डरिए. जिन क्वेश्चंस पे भरोसा है केवल वही लिख कर आइए. देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है. ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए हम इसको विभवांतर बोलते हैं, वोल्टेज. ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स दैट मूव्स चार्ज From one point to other. दो प्रकार का होता है, एक और दो. एक होता है आप लोगों का डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, एक होता है आप लोगों का एसी, एक होता है डीसी. एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी. इसको दृष्ट बोलते हैं ना, दृष्ट डीसी प्रत्यावर्ती. अगर मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक है तो प्लीज मुझे करेक्ट करिए. मैम हिंदी में भी एक गायब है. हा 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 विभ विभवांतर. विभावन विभा विभा इसको हम वोल्ट में नापते हैं. इसको हम कैसे नापते हैं? इसको हम वोल्ट में नापते हैं. आपके घर पे भी वो रखा रहता होगा ना, पुराने जमाने में भी होता था वो वोल्टेज ठीक करने वाला. हमारे घर पे फ्रिज के साथ मिला था हमें वोल्ट. उसकी वोल्टेज बढ़ा देते थे, वोल्टेज कम कर देते थे. आप लोगों ने देखा होगा ना वोल्टेज वाला. हाँ, स्टेबलाइजर बोलते हैं. एग्जैक्टली स्टेबली. हाँ, हमारे घर पे भी था स्टेबलाइजर.
तो जब हम गांव में गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो कभी कभी लाइट बहुत धीरे हो जाती थी, तो हमको डांट पड़ जाती थी कि वोल्टेज तो ठीक कर लो उसके बाद टीवी देखना। अरे अरे वोल्ट गिर गया, वोल्ट गिर गया, फ्रिज बंद कर दो वरना फूक जाएगा, है ना? ऐसा सबके यहाँ पर होता होगा मेरे ख्याल से। वोल्ट मीटर, इंग्लिश में वोल्ट मीटर बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सबसे पहले डायरेक्ट करंट, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। दृष्ट धारा, इस धारा में विद्युत का स्तर स्थिर रहता है। तथा एक ही दिशा में बहता रहता है। एक ही दिशा में क्या होता है? प्रभावित होता है। ये अपनी दिशा कभी भी नहीं बदलता, ठीक है? एक ही दिशा में बहेगा। ये आपका तार है, तो अगर इस दिशा में बह रहा है तो इसी दिशा में बहता रहेगा, एक ही दिशा रहेगी। तो अगर आपको इससे झटका भी लग जाए तो दिक्कत नहीं है, अगर एसी से झटका लगा तो, समझ रहे हो ना, 240 वाट का झटका। ये चीज बढ़िया से ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में लिख लेते हैं, इट फ्लोज कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन एंड नेवर स्टेडी कांस्टेंट पे, एक ही दिशा में चलता रहेगा। अरे वाह 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 अदिति गुप्ता, अब सारे एग्जांपल्स अदिति बताएंगी। जैसे हमारा मोबाइल का चार्जर, कभी कभी मोबाइल के चार्जर से झटका लगा है किसी को? जैसे आप लोगों का रेडियो, किसी को झटका लगा है? मोबाइल चार्ज कर रहे हो और एकदम झटका लग गया और फिर आप मोबाइल चलाने से डर रहे हो कि भाई हम नहीं चला रहे। लगाए नहीं लगाए ना, तो लगेगा भी नहीं। जैसे आप लोगों के घर में टीवी है, टेलीविजन है, और इसके अलावा बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इन्वर्टर, इन्वर्टर बैटरी, ये सारी की सारी चीजें। तो ये आप लोगों के कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? ये आप लोगों के क्या हैं? कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ, फ्रिज, फ्रिज सब इसी में लिख लो यार, फ्रिज इधर लिख देते हम। मैं साइड हट रही हूँ। अरे पिंकी, मैं, मुझे शर्म आ रही थी, वरना डांस तो मैं और भी अच्छा कर देती हूँ। मेरे को शर्म आ रही थी, मैंने सोचा क्या ही नाचे यार, शर्म आ रही है। आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो हम इतनी दूर से आए और इन्हें नाचने का लग रहा है, तो मैं थोड़ा शर्मा गई थी। एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रतियावर्ती, इसके तो नाम से ही मुझे पता लग रहा है कि ये कभी किसी एक का नहीं रह सकता, ये बार 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 चेंज होते रहते हैं। फ्रिज, फ्रिज पुराने जमाने के फ्रिज तो इसी में आते थे, नए जमाने के तो यार फ्रिज रख दो, फ्रिज एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी यहां पर। फ्रिज हटा दो भाई, क्योंकि अब फ्रिज में एसी आने लगा है, ऑल्टरनेटिंग आने लगा है, फ्रिज थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल हो जाएगा, फ्रिज नहीं आएगा, फ्रिज हटा दो यार। यहां विद्युत धारा, प्रत्येक सेकंड में अपनी दिशा में बदलाव करता है। अपनी दिशा में बदलाव करता है तथा इसको ट्रांसफॉर्मर की मदद से ठीक किया जा सकता, ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम इसको कंट्रोल करते हैं, ट्रांसफॉर्मर।
फॉर्मर. तथा एक चक्र में दो बार दिशा बदलता है. इसका झटका बहुत खतरनाक होता है. निधि मैम ने डांस नहीं करा. अरे क्या नाम है, रहने दो हिमानी को गुस्सा. मोबाइल की बैटरी आपकी डायरेक्ट करंट की बनी हुई होती है. हो गया आप लोगों का, इसके एग्जाम्पल आप यही लिख लो. जो आप टीवी, एसी, आपका टेलीविजन, और आपका क्या लिखवाया था मैंने उधर, फ्रिज, बिजली पे खम्भे पे जो मोटे मोटे तार होते हैं वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट के होते हैं. हाँ लिख तो दिया, एसी, टीवी, फ्रिज. अभी मैं इसको इंग्लिश में लिखवाऊंगी और उसके बाद मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगी ऐसे करके नाचते हुए. कूलर, इंडक्शन, सब लिख डालो. जब आप लोगों का बीपीएससी क्लियर हो जाएगा ना, एक बार फिर से पटना आऊंगी और पूरे गाने पे डांस करूंगी. ठीक है, अभी तक देख लेते हैं. हाँ चलिए अभी बताती हूँ मैंने क्या लिखवाया है. दिस changes its direction two times in a cycle. It is very dangerous. As compared to this can be altered by using a transformer. दोनों के एग्जाम्पल सेम नहीं है भाई, कैसी बात कर रहे हो. उसमें भी मैंने खुश होकर टीवी लिख दिया था क्या यार. ये पुराने जमाने के टीवी की बात हो रही है, नए जमाने की नहीं हो रही. टीवी हटा लेना भाई, मोबाइल चार्जर, रेडियो, बैटरी, इन्वर्टर. पुराने जमाने में जो टीवी था उसकी बात चल रही थी. अब पुराने जमाने को छोड़ दो, नए जमाने पे आ जाओ. इसको हटा दो यार, सॉरी. मैं अभी अपने बचपन में चली गई थी, वहां के टीवियों का एग्जाम्पल देने लगी थी. मैं तो भूल गई हम 2023 में जी रहे हैं. सॉरी गाइस, सॉरी. हटा लेना टीवी वहां से. एसी, टीवी, फ्रिज, इंडक्टर, कूलर. हाँ हम बदलने वाली बात नहीं करेंगे साहिल, हम ओरिजिनली बात करेंगे कि ओरिजिनली वो चीज किस चीज की मिलकर बनी होती है. बदलने को तो हम ट्रांसफॉर्मर लगाकर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है. ये आपकी इसकी इंग्लिश है. इंग्लिश इंग्लिश. अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपको ऑल्टरनेटिंग करंट दिखाऊंगी मैं. दीपक एक बार पुरानी वाली स्लाइड पे जाऊं. ठीक
ठीक है, डन। एक बार मैं इसको सेव कर लेती हूँ सो दैट मैं आपको भेज सकूँ। उसके बाद मैं आपको जरा एक बार दिखा देती हूँ फाइल। और आप प्लीज, और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एनसीईआरटी पढ़ने आ जाना 5 बजे। अगर आप नहीं आ सकते मेरे प्यारे साथियों, तो आप उसको 6 बजे देख लेना, 7 बजे देख लेना, जब समय हो तब देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना। रुको, ऑल्टरनेटिंग करंट देखते हैं सबसे पहले। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या जुगाड़ होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो साइकिल होती है ना, देखो जैसे एक साइकिल होती है यहां से यहां तक की, ठीक है। अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो कायदे में यहां से यहां तक की एक साइकिल होनी चाहिए थी, एक साइकिल। लेकिन अगर मैं आपसे एसी की बात करती हूँ तो ये एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा। डायरेक्ट करंट आपका एक ही बार में गोल गोल घूम जाता है एक साइकिल में, लेकिन ये एक बार में दो बार घूमता है। इससे अच्छा तो मैं आपको इसकी वीडियो दिखा देती हूँ यार। चीजें घूम जाती हैं इसमें। एक सेटअप है इसमें, बिजली चमक रही है, बल्ब इसलिए जल रहा है क्योंकि एसी एसी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होती है। देखो एसी करंट आप लोगों का हमेशा ऐसे बहता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये आप लोगों का एसी का हिसाब किताब है। ये किस चीज का हिसाब किताब है? आप लोगों का एसी करंट का हिसाब किताब है, ठीक है। ऐसे करंट दौड़ता है जैसे डांस करता है ना ऋतिक रोशन, ऐसे वाला, ऐसे करंट दौड़ता है, ठीक है। सो ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट था। और डायरेक्ट तो आप लोगों का एक ही डायरेक्शन में बहता रहता है। मैं जरा खुद को पीडीएफ पीपीटी दे दूं पहले। इज इट फाइन? रुक रुक कर आता है करंट। हाँ जनरेटर में भी ऐसा होता है ज्योति। जो मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ तो मैं हैंड बाय हैंड आप लोगों को लिखवा देती हूँ कि क्या क्या चीज लिखनी है, क्योंकि मैं बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ती, मैं हैंड टू हैंड सारी चीजें कवर करवाती हूँ। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी तबीयत खुश हो गई एकदम पढ़ाकर आज, है ना। सो आपकी क्लास अब डन करते हैं हम लोग। प्लीज सारी की सारी चीजें याद कर लो। मैं आपसे बिल्कुल कसम खाकर कहती हूँ, एनसीईआरटी तो मैंने कल से स्टार्ट कर दी। आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत बढ़िया होगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि मैं आपको, जब एक बार हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, लेंस मिरर ये सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन करवाऊंगी, साथ में बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर्स और वन लाइनर क्वेश्चन। इतना अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी गारंटी, 100% मेरी गारंटी है। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल। और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स जो रेटिंग कर करके मुझे नीचे गिरा रहे हैं, प्लीज बुरी रेटिंग मत करना, रेटिंग अच्छी करनी है आपको, वरना टीचर चेंज कर देंगे अड्डा वाले, मैं बता रही हूँ आपको, अगर रेटिंग खराब करवाई तो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मुझसे पढ़ना है तो रेटिंग आपको अच्छी देनी पड़ेगी, जितने स्टूडेंट्स अब क्लास देख रहे हो और जितने स्टूडेंट्स बाद में क्लास दे रहे हो, देख रहे हो रिकॉर्डेड भी अगर देखते हो आप लोग, तो रेटिंग आपको अच्छी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग रिकॉर्डिंग रेटिंग जरूर करिएगा और अच्छी रेटिंग करिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल, लव पटना, बाय बाय, लव बिहार, हर हर महादेव।